हेलो दोस्तों, सिविल साइड विजिट चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ कोर कटर पे। मतलब कोर कटर क्या है, हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, मतलब क्यों होल करते हैं कंक्रीट में, तो उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। तो होल प्रोसेस दिखाऊंगा मैं वीडियो में, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक क्या प्रोसेस रहता है। तो साथ साथ में हमारा प्रोसेस चलता रहेगा और मैं साथ में बताते जाऊँगा कि उसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेन चीज़ें आपको क्या नोटिस करनी चाहिए कोर कटर में और करते क्यों हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। सामने मतलब एक पॉइंट हमने मार्किंग कर ली है कि इस पॉइंट पर हमें होल करना है, एक मतलब कोर करने कंक्रीट में, तो मार्किंग कर ली है। तो मशीन से हम साथ साथ में करते जाएंगे। अब आती है बात कि हम करते क्यों हैं, मतलब कोर कटर यूज़ कंक्रीट में होल करते क्यों हैं। दो चीज़ें रहती हैं, एक तो मतलब टेस्टिंग के लिए, हम इसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए कोर मतलब होल करते हैं कंक्रीट में, एक कोर सा निकाल देते हैं। एक आपने कोर कटर मतलब उसमें सैंड टेस्ट में देखा होगा, लेकिन इसमें कंक्रीट में हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हम इसमें कोर करते हैं। और दूसरा, हम यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, ये हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हमें यहाँ पे मतलब एसी की लाइन आएगी, मतलब एसी डक्ट होने वाला है यहाँ पे, तो उसके लिए हमें यहाँ कोर कर रहे हैं। यहाँ हमारा टेस्टिंग के लिए कोर नहीं हो रहा है, लेकिन टेस्टिंग का भी यही सेम प्रोसीजर रहता है। जिस चीज़ का आपको टेस्टिंग करना है, मतलब जिस कंक्रीट का, जिस स्ट्रक्चर का, तो वहाँ इस मशीन से मतलब कोर कर लेंगे। दो तीन टाइप की मशीन यूज़ होती हैं, एक डायमंड वाली होती है, एक बेड कटर होता है, तो यहाँ बेड हमारा बेड कोर कटर यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है, हम मतलब कोर करके एक सिलेंडर शेप का एक कंक्रीट का पीस निकाल लेंगे, उसकी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं मशीन पे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन पे। तो वैसे ही सेम प्रोसीजर रहता है जैसे आप क्यूब टेस्ट करते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला है नहीं कोर कटर पे, तो आप मतलब कंटिन्यू देखते जाओ प्रोसीजर कैसे रहता है, मतलब पॉइंट के बाद क्या करते हैं, मशीन सेट होने के बाद क्या, तो वही देखते रहो। एक बार मशीन फिक्स हो जाए तो हम वहाँ पे उसको होल करना कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले तो मतलब हमें कंक्रीट में फ्यूचर में होल करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर पे, स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि जब आप उसमें होल करोगे तो कंक्रीट ही नहीं, जो हमारा रीइंफोर्समेंट होगा, क्या पता रास्ते में मेन रीइंफोर्समेंट हो और वो कट जाएगा, इसका इफेक्ट उसकी स्ट्रेंथ पे पड़ेगा। तो मतलब पहले ही अगर इस चीज़ को नोटिस करके पीवीसी पाइप्स प्रोवाइड कर दी जाए तो वो बेटर रहती है, ठीक है। यहाँ देख रहे हो आपकी मतलब अभी होल कोर हो चुका है, उसमें मतलब मशीन ने उतना काट दिया, तो अब वो इजीली उधर से निकल जाएगा। बाकी इसमें इतना बताने वाला कुछ नहीं है, मतलब हम इधर कोर कर रहे हैं, मतलब कहीं भी हमें होल करना हो कंक्रीट में, कि फ्यूचर में हमें नीड पड़ेगी यहाँ से वायर्स जानी है, जहाँ कुछ और आपको प्रोवाइड करना है इस वे से, तो वहाँ हम कोर कटर कर देते हैं। बाकी हम कोर कटर करते हैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए, वहाँ भी हम कोर करके उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं मशीन पे। तो यही तो आज का हमारा टॉपिक था कि मतलब हम कोर कटर क्यों करते हैं, क्या हमारा सही रहता है कोर कटर करने का कंक्रीट में, तो उसी पे आज का हमारा टॉपिक था। अभी नेक्स्ट इसका प्रोसीजर देखते जाओ कैसे है। अभी एक देखो कोर हो चुका है, निकल गया है उसका कंक्रीट, ये हमारा सिलेंडर टाइप मतलब एक पीस निकल चुका है कंक्रीट का। तो ऐसे ही सेम अगर आपको उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना है तो ऐसे ही शेप का मतलब निकल जाएगा, और उसे आप मशीन पे रख के स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी आती। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा छोटा सा टॉपिक था बेसिक की कोर कटर क्या है और क्यों करते हैं, उसी पे मैं आज लेके आया था। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाओ। बाकी हमारी कंटिन्यू वीडियो आने वाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो थैंक यू फ्रेंड्स।